प्रदेश में योगी राज कायम होने के बाद सूबे से अवैध बूचड़ खाने और स्लॉटर हाउस का अवैध कारोबार पूरी तरह से बंद करवा दिया गया, लेकिन मऊ में पुलिस की मिलीभगत से एक अवैध बूचड़ खाना चलने का मामला सामने आया है। मामला कोतवाली के हड्डी मदारी मोहल्ले का है, जहां लोगों की शिकायत पर SDM और CO ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में मवेशी बरामद किए हैं। इस पूरे मामले में दो पुलिसकर्मी सुशील पांडे और राजकुमार यादव का नाम सामने आया है। हट्टी मदारी मोहल्ला में सूचना मिली है कि वहां पे अवैध लाटिंग चल रही है। इस संबंध में दो कांस्टेबल भेजे गए थे जांच के लिए कि जाकर के देखें क्या चल रहा है वहां पे। तो वहां ये पता चला कि वहां पे पशु बांधे गए थे और कुछ मांस भी रखा गया था। सूचना पे फिर उन्होंने SO को फ़ोन किया, SO ने हम लोगों को बताया, मुझे और CO साहब को। फिर हम लोग जैसे ही मौके पर गए, वो दोनों कांस्टेबलों की लापरवाही की वजह से सारे साक्ष्य हटा दिए गए थे। न वहाँ पशु मिला, न कोई मांस मिला, लेकिन फिलहाल कुछ पशु पकड़े गए हैं और ये दो आदमी भी पकड़े गए हैं, उनको ला करके पूछताछ चल रही है। अब बिल्कुल रिपोर्ट की जा रही है SP साहब को और उसमें जाँच करके। फिलहाल SDM ने दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि दोनों पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी TV के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।